हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, सो वेलकम बैक। टुडे आवर डे 3 और हमारे पास ये है कि हमने फेरी मेट्रो जाना है। तो भाई आई एम सॉरी क्योंकि मेरी आवाज़ थोड़ी कम आ रही हो, हवा बहुत तेज़ आ रही है, देख रहे हो कि बहुत तेज़ हवा है। तो मैंने आपको बोला था हम रात को नागा पर्वत स्टे करेंगे, तो आप देख सकते हो कि मेरे पीछे नागा पर्वत है। यहाँ हमने रात स्टे की है और अभी अंदर नाश्ता बन चुका है, सारे नाश्ता कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ वीडियो में आ रहा हूँ तो भाई मैं जल्दी जल्दी कहाँ खत्म करना है, खाना भी खाना है। तो खाना खा के फिर हमने निकलना है अपनी जर्नी, जो हमारा मेन टूर था फेरी मेडल्स का, वो कंप्लीट करना है। मैंने सुना है कि फेरी मेडल्स का जो ट्रैक है यार, वो वर्ल्ड्स वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस ट्रैक है। तो यार सुन के तो मेरी तो कभी कभार हवा टाइट हो जाती है। अब टूर पे आए हैं, फेरी मेडल्स देखने आए, तो भाई ये तो फिर करना है। हर एक अच्छी चीज़ आपको इतनी आसानी से नहीं मिलती, आपको मुश्किल देखनी पड़ती है। तो इसलिए अब हम भी आज मुश्किल देखेंगे, आपको सारा ट्रैक दिखाऊंगा, तो कंप्लीट वीडियो देखना, ठीक है? तो मैं अभी और नाश्ता करने, तो नाश्ता करके तो फिर हम इंशाल्लाह यहाँ से निकलेंगे। सो अभी हम उधर है जहाँ फेरी मेडल्स का जो ट्रैक स्टार्ट होता है। तो अभी हम जीप्स का अरेंजमेंट कर रहे हैं, गए हुए हैं लड़के जीप्स का अरेंजमेंट करने। सुनने में आया कि 6,000 की एक जीप मिलती है, तो उसमें आप 6 बंदे बैठा सकते हो, 1,000 से ज़्यादा। अब ये दोनों गाड़ियाँ जाके पार्किंग में लगानी हैं, फिर हम सब अपने ट्रैक को। तो यार डर भी लग रहा है, कह रहे हैं कि बहुत ही गंदा ट्रैक है यार, दिखाता हूँ मैं आपको। तो भाई यहाँ से हमारी जीप की ट्रैकिंग स्टार्ट होती है, और जो लड़के हम में से गाड़ियाँ पार्क करने गए हुए थे, हमने उनका वेट किया, और जैसे ही वो आए तो हमारी जीप की ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई। तो अगर तो आप जीप की ट्रैकिंग देना चाहते हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर तो आप सोफे में बैठे हो या चेयर पर बैठे हो, तो भाई पकड़ के बैठना, कहीं गिर ना जाना, क्योंकि अभी हमारी जीप थोड़ी सी ना हीटअप हो गई है, तो पानी डालने का टाइम आ गया। तो खान भाई पानी डाल रहे हैं, और रास्ता आप देख लो यार, ये खान भाई पानी डालने के लिए। खान भाई किधर आते हो? 2-3 घंटा लगेगा। फिर जीप में कितना लगेगा? जीप में आपको घंटा लगेगा। तो लैंड स्लाइडिंग होती रहती है यहाँ पे ना? नहीं यार, लैंड स्लाइडिंग नहीं होती, यहाँ नहीं होती। ये क्यों साफ कर रहे हैं? क्या ये साफ कर रहे हैं? बस इधर रोड में डिट्टी है ना। तो भाई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, अगर तो आपको चांस मिला फेरी मेडल्स जाने का और आप हमारी तरह इसी मौसम में गए, तो आपकी जीप वाला भी आपको सेंटर ट्रैक में जाकर कहीं रोक देगा, क्योंकि जीप्स जो हैं इतनी गर्मी में हीटअप हो जाती हैं, उनको पानी डालना पड़ता है, तो फिर वो आगे स्टेबल होती हैं। तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था और आपके साथ भी ऐसा होगा। पानी डालने के बाद फिर वही रास्ता शुरू हुआ, और मैं आपको बता दूँ पहले वाला रास्ता तो कुछ था ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, हमारी जो जीप की ट्रैकिंग थी वो तो हो चुकी है। काफ़ी मुश्किल रास्ता था यार, बहुत डरे हैं, वीडियो भी बनाई है, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। तो अब हमारी यहाँ से हाइकिंग स्टार्ट होनी है, तो आपको भी मैं दिखाता हूँ हाइकिंग के सीन।
नांगा पर्वत बड़ा अच्छा है नजर आएगा। भाई लाइफ की पहली दफ़ा हाइकिंग है मेरी, और अभी तो स्टार्ट है बस, पहली हालत है। अभी सारे पीछे हैं, दो आगे गए हैं बस। हो अभी स्टार्ट है। एक चीज़ आपको मैं रिकमेंड करूँगा, चलो ऊपर जाके करूँगा अभी नहीं, ठीक है अभी एक्सपीरियंस ले लें तो मुझे, फिर जो मेरा एक्सपीरियंस होगा ना वो मैं आपसे करूँगा, ठीक है। अभी मुझे लगता है कि फिर छोड़ के मुझे ना हाइकिंग पे कंसंट्रेट करना चाहिए। यहाँ के भी अजीब बंदे हैं जो ऊपर से आ रहे हैं ना हाइकिंग करके फेरी मीडोज घूम के, जब नीचे आते हैं हमें देख कहते हैं भाई अभी तो बहुत रास्ता है, आपने तो अभी सफ़र स्टार्ट ही नहीं किया, अभी तो आपके पाँव दर्द करेंगे, मतलब डीग्रेड करते हैं हमें। क्या यार बंदे को हौसला देना चाहिए यार कि थोड़ा ट्रैक रह गया, आप लोग चलते जाओ जल्दी आ जाएगा, बट नहीं दो वो जा रहे हैं आगे, बहुत दूर है आगे भाई, तीसरे नंबर पे है बाकी पीछे सारे। ओ तो भाई अगर तो आप मेरी तरह आईफोन यूज़र्स हो, आपके पास आईफोन है और जो 64GB का है और आप वीडियो बना रहे हो तो वो फुल हो गया हो, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैंने ट्रैकिंग के बाद 3 वीडियोस बनाई और मेरा फ़ोन फुल हो गया था, नो स्पेस। ये वाली वीडियो मेरी आखिरी वीडियो थी अपने फ़ोन के साथ और मेरा फ़ोन इसके बाद फुल हो चुका था, नो मेमोरी स्पेस। तो अगर तो हमारे ग्रुप में एक लड़का ना होता जिसके पास आईफोन 7 प्लस था तो भाई इतनी प्यारी जगह मैं आपके साथ शेयर ना कर पाता। थैंक यू सो मच सुभान, शायद अगर तेरा फ़ोन ना होता ना तो भाई ये सब कुछ नहीं बन पाता। The sun is going down now, been at it for a while, and I have had enough of this. I doubt that we can solve it, been trying for so long, and I just can't ignore that it won't ever be the same. No, we will never be that good again. Don't drag it out, skip the innocence. अल्हम्दुलिल्लाह हम फेरी मीडोज पहुंच चुके हैं। यार सीरियसली 2.5 घंटे की हमने हाइक की है, टांगे बिल्कुल ख़त्म हो गई। मेरे तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, लेकिन जिन्होंने पहले की है ना वो मुझे यही कह रहे थे कि भाई ये पाकिस्तान के सबसे डिफ़िकल्ट हाइक है अभी तक की हमारे लिए। तो आफ्टर हाइक यार सीरियसली इतनी मेहनत और मशक्क़त के बाद जब यहाँ आके व्यू देखा है ना, नांगा पर्वत का फेरी मीडोज देखी है ना, जब सारी थकान दूर हो जाती, दूर नहीं थी लेकिन बंदा सेटिस्फाई हो जाता कि यार मेहनत की है फल मुझे अच्छा मिल गया। यार जन्नत है पाकिस्तान में यार, सीरियसली मैं तो फुल थक चुका हूँ। और अभी मेरे दोस्त जो हैं वो अभी नीचे हैं, 3 हम ऊपर आए हैं, बाकी नहीं 5 हम ऊपर आ चुके हैं, अभी 12 बंदे थे हम, बाकी सारे नीचे हैं आ रहे हैं। मुश्किल है ना हाइक इसलिए। तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ, अगर तो कोई फुटबॉल एक्टिविटीज़, बैडमिंटन या कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी अगर नहीं ना करता, घर बैठा बैठा बस उसका काम क्या है कि लैपटॉप यूज़ कर लिया और ये, तो भाई उसके लिए फेरी मीडोज़ आने का फ़ायदा नहीं है।
उसे थक जाना, उसने ख़त्म हो जाना, उसकी टांगों ने ख़त्म हो जाना। फेरी मेडोज को मजाक मत लेना, फेरी मेडोज आसान नहीं है। और यहाँ पे माशाल्लाह रूम्स भी काफ़ी अच्छे हैं यार, लेकिन दो हम जो आए हैं ना हमारे साथ वही कह रहे हैं कि जो तीन ऐसे हैं कि जो नीचे रह चुके हैं उन्होंने भाई नहीं आना ऊपर, जो मर्ज़ी काट लो। तो नहीं तो हमने रात यहीं पर स्टे करनी थी, लेकिन अब खैर है वो नहीं आए, तो अब हम यहाँ पर थोड़ा फ़ोटो शूट करके थोड़ी वीडियोज़ बना के और खाना पीना करके तो फिर इंशाल्लाह चलास की तरफ जाना है हमने। तो अभी आपको मैं फेरी मेडोज़ दिखाता हूँ फिर कंप्लीट, तो आप वो देखो और मैं भी थोड़ी इंजॉय करता हूँ, ठीक है। फिर है ना पाकिस्तान में जन्नत है ना, मैं जितनी दफ़ा भी देखूं कम है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि एक बार अपनी लाइफ में फेरी मेडोज़ ज़रूर जाना, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। आप लोग अल्लाह ताला की कुदरत देखोगे, माशाल्लाह। अपना एक्सपीरियंस मैंने शेयर करना था, आपको बोला था मैं आपको ऊपर जाके अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो भाई मेन चीज़, मेरी तरह फैशन करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जॉर्डन्स पहने हुए थे, मैंने जीन्स पहनी हुई थी, मैंने कैजुअल टी शर्ट पहनी हुई थी। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी ड्रेसिंग करके आपको हाइकिंग करने की, यकीन जानो आप थक जाओगे। उस गेटअप में आप हाइकिंग करना जिसमें आप इजी रह सको, और हाइकिंग के साथ अपनी स्टिक ज़रूर ले लेना, पानी की बोतल भी ले लेना ज़रूरत पड़ती है, और मेरी तरह मिडवे होटल पहुँच कर अपने पानी की बोतल रिफिल कर लेना ज़रूरत पड़ती है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जैसा था अच्छा हो गया। और वापसी पर मुझे एक फैमिली मिली, एक अंकल थे, अंकल तो नहीं मैं उनको बोलूँगा, मैं तो भाई बोलूँगा, लेकिन उनके साथ माशाल्लाह दो बच्चे भी थे, एक 9 साल की बेटी और 5 साल का बेटा। तो भाई माशाल्लाह मैंने उन बच्चों को देखा, इतनी फ्रेश होके मतलब हाइकिंग कर रहे थे अपने पापा के साथ, उनके फेस पे कोई डर नहीं था, फ्रेश थे बिल्कुल। बात बताने का मकसद ये है कि यार अच्छे अच्छों की वहाँ पे बस हो जाती है, लेकिन उन बच्चों को जब मैंने देखा तो मेरा दिल खुश हो गया था। तो अगेन बात मैं वही करूँगा कि अगर आपको चांस मिले फेरी मेडोज़ जाने का तो प्लीज़ जाना, फैमिली के साथ मत जाना, अकेले जाना, दोस्तों के साथ जाना, फैमिली के साथ मत जाना, आपको फैमिली की टेंशन रहेगी। तो फिर इंशाल्लाह आपको मैं अगले ब्लॉग में मिलता हूँ, मतलब पार्ट 4 में मिलता हूँ। तो तब तक के लिए सी यू सून, सो बी हैप्पी, बी सेफ, दिस इज़ रिशान मायू, अल्लाह हाफिज़। यार अभी मैं अगर वो वीडियो देखूँ ना तो यार मैं वहीं पहुँच जाता हूँ। जितनी दफ़ा भी आप फेरी मेडोज़ को देखो ना, तुसी नहीं रह सकते। The sun is going down now, been at it for a while, and I have had